क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट फायर होता है, हमको क्या करना है, अलार्म बजाना है। क्योंकि आप हर फ्लोर पे हर बिल्डिंग में जाके लोगों को बता नहीं सकते कि यहाँ पे फायर हुआ है। पहला ऑप्शन फायर का यही होता है कि सबसे पहले हमको फायर अलार्म सिस्टम यूज करना है, लोगों को मालूम पड़ेगा कुछ तो मतलब सोसाइटी के अंदर हो गया है, इसकी वजह से फायर अलार्म बजाए। पहला ऑप्शन ये है अपना, ठीक है। और फायर का मतलब होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि फायर लग गया हम आराम से जाने, नहीं दौड़ना है आपको, आपके अंदर जितनी कैपेसिटी एक्टिविटी आपको वहाँ पर यूज करना है। फायर फाइटिंग सिस्टम का मतलब वही होता है कि आपको हर चीज़ में एक्टिविटी रखना है। फायर लग गया तो दौड़ के जाना है, सब सिस्टम निकालना है, सबको बताना है कि ऐसे ऐसे यूज करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला सिस्टम ये अलार्म सिस्टम है, ये अलार्म हमको बजाना है, ठीक है। ये क्या रहेगा, लोगों को मालूम हो जाएगा कि फायर हुआ है। और ये जो सिस्टम दिया है ना, हर फ्लोर पे सिस्टम दिया है, पहले फ्लोर पे भी सिस्टम है। बुझा उसको, हाँ, सब फ्लोर पे सिस्टम है। अरे आप आ जाओ सर, आप भी एक बार देख लो ऊपर से कैसे यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि यहीं से बजाया, ऊपर आवाज नहीं जा रही, हर फ्लोर पे सिस्टम दिया हुआ है। इसमें दो जोन दिया है, देखिए, एक ग्रीन जोन एक रेड जोन, ठीक है। तो आप ये इधर लिखा है प्रेस हियर, जब मतलब फायर होता है किसी को, अगर किसी फ्लोर पे फायर हो गया तो ये सोसाइटी के मेंबर का काम है, क्योंकि वॉचमैन जब आएगा तो वो नीचे का सिस्टम यूज करेगा। अगर आपके फ्लोर पे आग हो गया या फायर हो गया या कुछ इशू हो गया है तो आपको क्या करना है, ये प्रेस हियर लिखा है, इसको दबाना है। रिसीव कर दिया। अगर यहाँ से मान लीजिए कोई इशू, टेक्निकल इशू हो गया, तो डायरेक्ट आपको जाके वहाँ से बंद करना है, ठीक है। यहाँ से आके आपको बंद करना है, यहाँ से आके आपको बंद करना है, ये बंद हो गया। अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा कि बंद नहीं हो पा रहा, तो डायरेक्ट यहाँ से स्विच ऑफ कर देना है उसको। सबसे पहला ऑप्शन अपना फायर फाइटिंग सिस्टम का अलार्म। सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया CO2। थर्ड ऑप्शन, अगर फायर हो जाता है, कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं या कोई झुलस जाते हैं या किसी को बचाना है, तो आप क्या करोगे? मान लो फायर हो गया किसी फ्लोर में, आदमी फंस गए, कैसे आपको जाना है वो वहां से फ्लोर पे? क्योंकि लिफ्ट जब फायर होगा तो लिफ्ट ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा। मान लीजिए किसी फ्लोर पे आप ऊपर आए, मान लीजिए भाई सब ये फ्लोर पे फंस गए, ठीक है, यहाँ पे फंस गए, तो इनको कैसे बचाना है? कभी भी स्टेयर केस यूज करना है, फायर फाइटिंग फायर जब होता है तो स्टेयर केस यूज करना है, लिफ्ट यूज नहीं करना है। लोगों को बताना है कि लिफ्ट में नहीं आना है, सीढ़ी से आना है। और सीढ़ी से कैसे आना है, मान लीजिए कि आपका लपेटा चारों तरफ हो गया, तो पहले हमको गिल्ला कपड़ा करना है, गिल्ला कपड़ा करके बदन पे रख लेना है, सिक्योरिटी गार्ड का काम है। क्योंकि वहाँ पे बचाने के लिए सोसाइटी के लोग को, सोसाइटी के मेंबर नहीं जाते, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है बचाने के लिए वो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, गिल्ला कपड़ा लेना है, चाहे अपने सर पे बांध देना है फटाक से। एक्टिविटी का मतलब जल्दी झटके में जाना है, कपड़ा भिगा करके, अगर उससे भी नहीं हुआ तो ये है, मान लीजिए इसको अगर फायर हो गया, ये भाई सब को मैंने कंधे पे ले लिया, ठीक है, तो क्या करना है, इसको कंधे पे लेना है और हमको झूठ के आना है, बाएं साइड से, राइट साइड से नहीं, राइट साइड से आएंगे तो क्या रहेगा, आपका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो बाएं साइड से आएंगे, झुक करके इसको लेकर के आना है, झुक करके लेकर के आना है और उसको जगह पे लाके रखना है। तो सिस्टम कैसे रहता है, जब फायर हो गया तो सारे लोगों को नीचे बुलाना है और एक जगह पे आके जमा होते हैं, जो खुला एरिया रहता है साइलेंस एरिया, वहाँ पे जाके जमा करना है लोगों को, ठीक है। और कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करना फायर फाइटिंग के सिस्टम पे, जब फायर हो गया तो, क्या ऑटोमेटिकली लिफ्ट बंद होती है, अगर आपको कुछ इशू तो हमको पता ही।